सॉरी, नेट वॉज डिसकनेक्टेड, तो पता नहीं मैं कहाँ तक था, कहाँ तक था। ओके, वन बेल्ट वन रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने ट्रेन का जिक्र कर दिया, तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। रोहिंग्या क्राइसिस, आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 50 साल हो गए हैं, राइट, 67 में बनी थी। उसकी परफॉर्मेंस भी पूछी जा सकती है, लेकिन उसके साथ रोहिंग्या क्राइसिस को भी अटैच किया जा सकता है, क्योंकि आसियान रिमेन फेल टू प्ले एनी कंस्ट्रक्टिव रोल एज फार एज रोहिंग्या क्राइसिस इज कंसर्न्ड, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम आसियान, रोहिंग्या क्राइसिस पे सवाल आईआर में भी आ सकता है और करंट अफेयर में भी आ सकता है, क्योंकि यूएन का जो मैकेनिज्म है किसी भी इस किस्म के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करने का, या उसको ओवरकम करने का, या उसको मैनेज करने का, वो भी यहाँ पर बुरी तरह से फेल हुआ है, ऑल दो देर वॉज अ मच डिबेट एट यूएन अबाउट रोहिंग्या क्राइसिस, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें तो कैटालोनिया के ऊपर तो 2017 में आईआर में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन जो कैटालोनिया है वो करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नेशनलिज्म इज बैक इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इज अ नाइटमेयर फॉर यूरोप, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों के जो कॉजेज थे उनमें से एक मेजर कॉज नेशनलिज्म था। इस वक्त ऑस्ट्रिया में इलेक्शन हो चुका है, फ्रांस में 2017 में इलेक्शन हो चुका है, जर्मनी में इलेक्शन हो चुका है, और भी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हो चुका है जिसका मुझे नाम नहीं याद। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नेशनलिस्ट या राइटिस्ट पार्टीज हैं, राइट विंग की पार्टीज हैं, या जो नेशनलिज्म को पे बिलीव रखती हैं, स्टेट नेशनलिज्म पे, ना कि रीजनल नेशनलिज्म इन द फॉर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन पे, उनको वोट्स मिले हैं और वो पार्लियामेंट्स में आई हैं। तो ये एक अलार्मिंग साइन है, द कम बैक ऑफ नेशनलिज्म इन टू यूरोप, इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्सिट इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेशनलिज्म, ब्रिटिश नेशनलिज्म। अब ये है कि ब्रेक्सिट इज अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्सिट ऑन यूरोपियन यूनियन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द करंट अफेयर एज वेल एज फॉर द पेपर टू आईआर। ऐसे इस पे आ चुका हुआ है 2017 में। अच्छा, फिर है जी इसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट द प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप, उसका विजिट मिडल ईस्ट, तो मिडल ईस्ट की तरफ पॉलिसी बदल गई, सऊदी अरब और इसराइल को दोबारा अपने साथ कनेक्ट कर लिया है विद द न्यू डील्स, विद द न्यू अरेंजमेंट्स। फिर जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी उसने चेंज कर दी है टुवर्ड्स साउथ एशिया, स्पेशली टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड अब ट्रंप इज मेनी टाइम्स क्लोजर टू इंडिया एंड ही इज स्पेलिंग आउट इंडियन नैरेटिव इन इट्स ओन पॉलिसीज, विच इज अलार्मिंग साइन फॉर पाकिस्तान एंड स्पेशली फॉर द पाक यूएस रिलेशन टू। तो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के दो एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट पाकिस्तान से रिलेटेड, एक एस्पेक्ट ओवरऑल साउथ एशिया से रिलेटेड विद इट्स नेक्सस विद इंडिया, और एक एस्पेक्ट मिडल ईस्ट का। इसके अलावा मिडल ईस्ट में जो जेरूशलम का डिसीजन लिया है एम्बेसी को शिफ्ट करने का, ये एक्चुअली ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 70 ईयर्स जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी रही है टुवर्ड पैलेस्टीनियन इशू, उसे चेंज कर दिया है, राइट। तो ट्रंप, यूएस फॉरेन पॉलिसी अंडर ट्रंप, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द आईआर पेपर टू एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द करंट अफेयर पेपर्स। पैलेस्टाइन का इशू जो कि काफी अर्से से लाइमलाइट में नहीं था, अगेन विद दिस डिसीजन ऑफ ट्रंप इट इज इन द लाइमलाइट, और इट कैन ऑल्सो कम इन टू इंटरनेशनल लॉ। आप लोग, मोस्ट मोस्ट ऑफ सीएसएस एस्पिरेंट्स यूज टू टेक और बाय वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन, तो वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन जो जनवरी का है उसमें कामरान आदिल साहब का आर्टिकल पैलेस्टाइन इशू के ऊपर, कि ट्रंप के इस डिसीजन के बाद उसकी नेचर और स्टेटस में क्या चेंज आया है लीगली, प्लीज डू स्टडी दैट आर्टिकल, राइट, एंड ही हैज रिटन वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस आई मस्ट से। ब्रिक्स
अब ब्रिक्स को आप चाइनीज इनिशिएटिव समझ लें, साइनो रशियन इनिशिएटिव समझ लें, या ब्रिक्स को एज ऑर्गेनाइजेशन ले लें। ब्रिक्स की जो समिट हुई थी अगस्त 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली उसका जो कम्युनिके हुआ एट द एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ब्रिक्स, सार्क, ईसीओ और आसियान, ये चार मैंने, सार्क, ईसीओ, आसियान, ब्रिक्स, ये चार मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस बता दी हैं, इनसे सवाल आ सकता है। अच्छा जी, रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो पीक पे मामला है, और वन थिंग मोर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी दी है, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में उसने चाइना और रशिया को रिविजनिस्ट पावर कहा है। रिविजनिस्ट पावर मींस जो स्टेटस को को चैलेंज कर रही है। स्टेटस को का मतलब यहाँ पे ये, यानी जो यूएस हेजमनी ऑन द वर्ल्ड अफेयर, यानी कि यूएस यूनिपोलैरिटी को चैलेंज कर रही है, राइट? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं रिलेशंस की तरफ। तो पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे ना आए ये आपको तैयार जरूर करना है, और इसके करंट डायनेमिक्स को और इसके बैकग्राउंड का आपको पता होना चाहिए। करंट डायनेमिक्स में जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट डाइवर्जेंट हैं विद दैट ऑफ यूएस इंटरेस्ट। तो यूएस इज बिकमिंग क्लोजर टू इंडिया, एंड वी आर गेटिंग क्लोजर विद चाइना एंड रशिया, ठीक है जी। अगेन, पाक यूएस के अलावा पाकिस्तान के रशिया के साथ रिलेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपार्ट फ्रॉम दीज टू पार्स, पाकिस्तान के जो फोर नेबर्स हैं इनके साथ रिलेशन, यानी टोटल आपने 7 स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस को तैयार करना है। और अगर आप रिलेशंस वाले सवाल को बहुत ही अच्छा, या इसमें कोई अनयूजुअल आप देखना चाहते हैं कि कुछ आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ये है कि शायद शॉर्ट नोट आ जाए पाक टर्की रिलेशंस के ऊपर, बट उसका इम्कान बहुत कम है। टर्की का रोल पूछा जा सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेंशंस को सेटल करवाने में, टर्की का क्या रोल है ये पूछा जा सकता है। चाइना का भी रोल इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है, अफगान पीस के कॉन्टेक्स्ट में, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट, करप्शन, पनामा लीक्स, देन कम्स पेराडाइज लीक्स, सो स्टोरीज ऑफ करप्शन हैज जोल्टेड इंटरनेशनल सीन एज वेल एज आर नेशनल सीन टू, ठीक है। तो करप्शन पे ऐसे भी आ सकता है, और करप्शन के ऊपर इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्टेक्स्ट में सवाल भी आ सकता है। आपको करप्शन के टॉपिक की अच्छी तैयारी करनी चाहिए, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये पाक अफेयर में भी सवाल पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में भी सवाल पूछा जा सकता है। मिडल ईस्ट को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते इस सारी गुफ्तगू में। मिडल ईस्ट, देखें, ये मिडल ईस्ट नहीं रहा, अब ये मडल ईस्ट बन गया है। वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म हुए, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 टू 1918, 2018 शुरू हो चुका है, 100 साल गुजर चुके हैं, राइट? तो अब वर्ल्ड वॉर 1 के आफ्टरमैथ्स में ये जो मिडल ईस्ट है वर्ल्ड मैप पे नजर आया था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर डिस इंटीग्रेट हुई, और आज 100 सालों के बाद अगेन मिडल ईस्ट इज ऑन द क्रॉस रोड्स, यानी इसकी डिवीजन होती हुई नजर आ रही है। वो किन फैक्टर्स की है? एक तो है जी कुर्दिस्तान क्वेश्चन, दूसरा है सऊदी मिलिट्री अलायंस वर्सेस सैंक्शन फ्री ईरान, और फिर यूएस एंड रशियन कोल्ड वॉर इन द मिडल ईस्ट, जो कि शुरू हो चुकी हुई है अगर हम सीरियन इशू को देखें, और फिर यमन का इशू भी मौजूद है। यमन एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, एज वेल एज इट इज ए प्रॉक्सी वॉर, इट इज अ प्रॉक्सी बैटल फील्ड बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो मिडल ईस्ट में ये एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। अगेन, इंटरनेशनल सीन की तरफ हम चलें। अब मैं जो इंटरनेशनल सीन की बातें बताने जा रहा हूं कि क्या हुआ है 2017 में,
ये आईआर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर चैलेंज आपके सामने, इट्स वेरी हॉट डिबेट्स नाउडेज. फिर आ जाता है हमारे पास ईरान न्यूक्लियर डील डिसर्टिफिकेशन बाय द ट्रंप, क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज डिसर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट बाय ट्रंप, ठीक है. एंड जेरूशलम वाले डिसीजन का पैलेस्टीन के परस्पेक्टिव में मैं जिक्र कर चुका हुआ हूँ, राइट. तो ये इंटरनेशनल सीन पे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पे क्वेश्चन आने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं, यानी नॉर्थ कोरियन इशू पे भी और इरानियन डील पे भी, ठीक है जी. अब सॉरी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से COP23 बोन में कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगेन क्लाइमेट चेंज जो है बहुत इम्पॉर्टेंस इसको मिली है इस इशू को. 2016 और 2017 देवर डिक्लेयर्ड द हॉटेस्ट ईयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. और अब हम करंट जो पर्सपेक्टिव रहा है पाकिस्तान में, जो इवेंट्स, जो डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उसको देख लेते हैं. देखें, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट और ये जो इस किस्म की चीजें हैं जो हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आया इंस्टीट्यूशनल आफ्टर द पनामा जजमेंट और जो भी हमारी पॉलिटिक्स में चल रहा है, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो नहीं पूछी जा सकती पेपर के अंदर, लेकिन वहां पे तो कॉन्टेक्स्टुलाइज या इंस्टीट्यूशनल सवाल आएगा. तो इसमें जुडिशल एक्टिविज्म या फिर हमारा जो डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, वाई डेमोक्रेसी डिसकॉन्टेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या वीक है या फ्रिजाइल है, इससे मुतल्लिक क्वेश्चन भी आ सकता है पाक अफेयर्स में या करंट अफेयर्स में, और ऐसे भी आ सकता है जिस तरह करप्शन पे ऐसे आ सकता है, इसी तरह डेमोक्रेसी वाले टॉपिक पे भी ऐसे के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. पाक अफेयर में भी डेमोक्रेसी का टॉपिक लाइमलाइट में है और करंट अफेयर में भी. फिर सेंसस हुआ है आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 19 ईयर्स. तो सेंसस और उससे अटैच्ड जो एथनिक पॉलिटिक्स है और फिर फर्दर उसका इम्पैक्ट जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पे हो सकता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे हो सकता है, ये एक बड़ा पोटेंशियल सवाल है. इंडो पाक फेस ऑफ इन द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव वाले इशू पे इंडिया और पाकिस्तान का जो एक किस्म का कंटेस्ट हुआ है लीगल नैरेटिव्स का, ये इंटरनेशनल लॉ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉन्सुलर एक्सेस की बात है इसके अंदर. ये करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पाक अफेयर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है. इसके अलावा पनामा जजमेंट, 18th अमेंडमेंट एंड गवर्नेंस इश्यूज ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि पाक अफेयर्स के सिलेबस में एक 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 बुलेट है जिसका टाइटल है लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स इन पाकिस्तान. उस कॉन्टेक्स्ट में पूछे जा सकते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और मैं इकोनॉमी के हवाले से बता चुका हूँ फॉरेन डेट और एक्सपोर्ट डेफिसिट का जो चैलेंज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब अगर मैं आपसे बात करूं सिर्फ एसए के ऊपर, क्योंकि जो मेरा एरिया है मैं उससे रिलेटेड ही अपकमिंग टॉपिक्स आपको बता सकता हूं. एक तो देखें, डिक्लाइनिंग यूनिपोलैरिटी वर्सेस इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी, ठीक, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है. जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही वर्डिंग हो जो मैंने कही है, वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आईआर के पेपर में भी आ सकता है. इसी तरह से यूएन का नया सेक्रेटरी जनरल 2017 में आया, और यूएन का जो नया सेक्रेटरी जनरल 2017 में आया तो जो कंटेस्ट में पहली दफा यूएन की तारीख में हुआ कि 5 फीमेल डिप्लोमेट्स थी जो कंटेस्ट कर रही थी यूएन के सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए. तो इस हिसाब से देखा जाए तो फेमिनिज्म का, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पर्सपेक्टिव है उस पे ऐसे भी आ सकता है,
और आईआर के पेपर में फेमिनिज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके बारे में इस दफा पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट भी हो सकता है और इसके अलावा जो है उन पे सवाल भी पूछा जा सकता है। यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल। अब एस्से में हम मजीद आगे आए तो करप्शन के ऊपर एस्से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनली पनामा और पैराडाइज लीक्स की वजह से, एज वेल एज नेशनली पनामा जो केस चला सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो डिसीजन आया, तो ऑल नैरेटिव रिवॉल्व्स अराउंड द करप्शन, तो करप्शन के ऊपर एस्से भी एक्सपेक्टेड है, राइट। इसके बाद यूएन के बारे में पूछा जा सकता है। पिछली दफा जो यूएन के ऊपर ऐसे आया था वो था यूएन का इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में, कि यूएन इंटरवेंशंस आई थिंक इन द पीस कीपिंग मिशंस और पीस वगैरह, लेकिन 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को 20th सेंचुरी के मेकअप वाली यूएन किस तरह से डील कर सकती है, ये आपसे पूछा जा सकता है ऐसे के अंदर। अब डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि वाई इन द थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी, देर आर डिसकॉन्टेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज बिगर देन द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और द फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी और एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों फ्रूटफुल नहीं है डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर। इसको एक एक टर्म है, एक उसको इलिबरल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जहाँ डेमोक्रेसी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव तो होती है लेकिन पब्लिक एस्पिरेशंस को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती अपने कंडक्ट में, ठीक है जी, पब्लिक की विशेष को। अब डेमोक्रेसी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको यूएन के हवाले से इससे बता दिया, मैंने आपको करप्शन के हवाले से इससे बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि यूनिपोलैरिटी वर्सेस मल्टीपोलैरिटी, इसके अलावा सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर, अगेन इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आईआर एज वेल एज फॉर द एस्से। और एक चीज जो इस टाइम वेस्ट में बहुत ज्यादा चल रही है, आपने सुना होगा कि ट्रंप के ऊपर इल्जाम है कि उसके इलेक्शन को प्यूटिन ने सपोर्ट किया है एलिजली हैकिंग से और साइबर अटैक से या साइबर वॉरफेयर से। तो इस वक्त यूरोप में बहुत अंडर डिस्कशन जो एक इशू है वो ये है कि हाउ टू डील विद द यूएस विद द रशियन डिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ऑफ सोशल मीडिया। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है जो शायद इस वक्त जो सीएसएस मेंटोर्स हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे, सीएसएस कैंडिडेट्स भी तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि किस तरह से रशिया की ये लॉन्च्ड डिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर को डील किया जाए यूरोप में और यूएस में। ये नैरेटिव बहुत चल रहा है, लाइमलाइट में बिक रहा है, तो इस पे ऐसे भी आ सकता है क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे ऐसे आ चुका हुआ है, तो सोशल मीडिया ही की वजह से साइबर वॉरफेयर, सोशल मीडिया ही की वजह से रशियन डिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हो रही है, तो इस पे भी ऐसे आ सकता है और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, करंट अफेयर में आईआर में भी आ सकता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, और रहेगी बात कि आईआर के कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, तो इंशाल्लाह इन द कपल ऑफ डेज और मे बी ऑन मंडे और ट्यूसडे आई विल कम अगेन, ठीक है। तो मैं आपको आईआर के पेपर 1 और 2 में क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं वो आपको बता दूंगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट ये है कि सैटरडे 13 जनवरी को हमने एक स्पेशल लेक्चर अरेंज किया है जो कि है लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स इन पाकिस्तान। दिन 11 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक 3 घंटे तक ये लेक्चर चलेगा एट आईआर एकेडमी लाहौर। दिस इज नॉट एन ऑनलाइन लेक्चर, सो हुएवर इज अवेलेबल इन लाहौर कैन अटेंड दिस लेक्चर। प्लीज बी ऑन टाइम, इट विल बी हैंडी फॉर योर पाक अफेयर्स पेपर। As it there will be discussed the Panama judgment, the latest constitutional amendments, election 2017 election act, as well as the 18th amendment and governance related issues. Thank you very much. I'll see your comments and I'll try my level best to address your queries. Thank you.
खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रख।